मेरे प्यारे फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम उसको। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं है देन डू फटाफट सब्सक्राइब। अगर आप किसी दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं तो ये वीडियो उनको ज़रूर शेयर करो। आप जितना दूसरे की हेल्प करोगे आप उतना ही बेटर बनते चले जाओगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है कम्प्लीट फैक्टराइजेशन करना है। एक मैंने एक फार्मूला लिखाया था, वो क्या था ये मैं लिख दे रहा हूँ। ये लिखाया था भाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट में एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। ये भी हो सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। ये भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये दो फार्मूले एक ही जैसे, ये टर्म खाली चेंज हो गए, ठीक है। इन्हीं का यूज़ करके हम कैसे करते हैं, तो देखो ये वाई का स्क्वायर, ठीक है, ये थ्री का स्क्वायर। अब ये वाई प्लस थ्री वाई माइनस थ्री, तो ये फैक्टराइजेशन हो गया। अब क्या करना है, देखो एक्स का स्क्वायर माइनस फाइव का स्क्वायर, एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस फाइव, ठीक है, ये हो गया। ये देखेंगे थ्री का स्क्वायर, ये एक्स का स्क्वायर, ये माइनस टू का स्क्वायर, तो एक बार में थ्री एक्स प्लस टू, एक थ्री एक्स माइनस टू, बस। दूसरा देखेंगे सेवन एक्स स्क्वायर माइनस एट का स्क्वायर, सेवन एक्स प्लस एट, सेवन एक्स माइनस एट, ठीक है। इधर ये किसका इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे एक्स का स्क्वायर फोर का स्क्वायर, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस फोर, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस फोर, बच्चे ये देखिए एफ बहुत अच्छा है। तो वो पी की पावर थ्री, थ्री की पावर टू, एक सिक्स का, तो देखेंगे ये बन गया पी क्यू प्लस सिक्स पी क्यू माइनस सिक्स, बन गया ये। तो आपको बनाना पड़ेगा ऐसा, हर जगह बना हुआ नहीं मिलेगा। ये देखो ये ट्वेल्व का, ये एक्स स्क्वायर का, ये वाई का, बन गया। जब इसे ऐसे खोलोगे तो यही आएगा, ये जेड का। एक ब्रैकेट में लिखेंगे ट्वेल्व एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड, एक में लिखेंगे ट्वेल्व एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड, ये बन गया, ठीक है, यही आंसर हो गया। ऐसे यहाँ पर सिक्स एक्स की पावर थ्री की पावर टू माइनस वाई की पावर टू की पावर टू, तभी तो ये बनेगा एक्स क्यू प्लस वन एक्स क्यू माइनस वन, ठीक है। इधर देखेंगे इसको इरेज करते हैं, कोई मतलब नहीं, अब समझा तो दिया ये। ए अपॉन थ्री का स्क्वायर माइनस बी अपॉन फोर का स्क्वायर, ए अपॉन थ्री प्लस बी अपॉन फोर, ए अपॉन थ्री माइनस बी अपॉन फोर, ठीक है, समझ में तो आ गए हूँ। बहुत इजी, ज़्यादा टफ नहीं, बस आपको फार्मूले याद होने चाहिए। ये देखो इलेवन का, ये थ्री का, ये एम का, ये हमारा एन का स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में एलेवन अपॉन थ्री एम प्लस एन, एक ब्रैकेट में एलेवन अपॉन थ्री एम माइनस एन, बन गया, ठीक है। ऐसे इसमें करना,
अभी आगे लिख लेते हैं, ये सही रहेगा। ठीक है, तो देखेंगे 1/8 बी का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो इसको यहाँ लिख देते हैं 1/8 बी ब्रैकेट में प्लस 5 एक 1/8 बी माइनस 5 ये बन गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन थे, फर्स्ट के आई तक पार्ट थे, और दूसरे पार्ट भी देखते हैं क्या कह रहा है। देखते रहिए एग्जाम स्कोर को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, आप दूसरे की जितना हेल्प करोगे आपके लोग उतना ही हेल्प करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं कैसे करना है, बहुत इजी तरीके से करते हैं। देखो क्या करना है, ये देखो अब ये बाई स्क्वायर है माइनस का, अब ये देखो किसका फार्मूला बन रहा है, देखो अब वो जो कराया था उस एक्सरसाइज का मिक्स हो जाएगा इसमें, 16 होगा। ठीक है, ये 4 का स्क्वायर, बहुत ध्यान से देखना, 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 2 4, तो देखेंगे 4 2 या 8 बन गया, तो एक्स प्लस 4 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। तो देखो ये हमारा बन गया फार्मूला, ए का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, एक ब्रैकेट में हम माइनस कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कन्फ्यूजन हुआ होगा तो ध्यान रखा, ये चीज़ जो है उससे मेरा ये बनेगा। ठीक है, उसके बाद आगे बन जाएगा, जैसे इसमें ये देखो बना है पूरा, तो एक ब्रैकेट में हम ऐड कर देंगे इसको, एक ब्रैकेट में हम माइनस कर देंगे, तो ये तो डायरेक्ट ही बन गया। ठीक है, इसको देखो अभी देखो ये बनेगा हमारा b का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ देखो माइनस 2 मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई 3, देखो 6b बनना, तो इससे जो पूरे पे हमारा बनेगा b माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हमारा माइनस सी स्क्वायर तो चल ही रहा है साथ में, तो बी माइनस 3 प्लस सी, बी माइनस 3 माइनस सी। ठीक है, ये देखो अब इसमें देखो बच्चों क्या करेंगे, इसमें एक प्रॉब्लम है, बाई स्क्वायर यहाँ से क्या लेंगे माइनस हम कॉमन लेंगे, तो बी स्क्वायर 8b प्लस का 16 ये हो जाएगा, माइनस कॉमन बाई का स्क्वायर। अब देखो ये देखो b का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई 4, देखेंगे 8b हो गया 8b बोल, तो बाई स्क्वायर ये जो टर्म है हमारा माइनस बी प्लस 4 का स्क्वायर बनेगा, तो बाई प्लस बी प्लस 4 ये क्या हो जाएगा, बाई माइनस बी माइनस 4, ये टर्म बन के तैयार होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ से माइनस कॉमन लेके हमारी ये बनेगा, इससे हमारा ये क्रिएट होगा, फिर हम ये लिख देंगे। ठीक है, ऐसे इधर देखो यहाँ से भी ऐसे ही सेम सेम से माइनस कॉमन लेके, तो सी का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 4c। ठीक है, अब क्या करें, एक्स का स्क्वायर तो है, ये देखो एक्स सी का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 2 मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई 2, देखेंगे 4c बनना, ये आगे बीच वाला जो टर्म होता है ये वाला टर्म, ये टर्म आगे पीछे हो सकता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक एक्स स्क्वायर, तो देखेंगे ये किसका बनेगा, सी माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, अब हम क्या करेंगे, एक्स प्लस ये हट जाएगा सी, सी माइनस 2 का एक ब्रेक में एक्स माइनस सी प्लस 2। अब देखो इसमें ये चेंज क्यों, जब यहाँ माइनस लगाएंगे तो ये अंदर वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो क्या करना भाई, इसमें भी हम ऐसा ही सेम काम करेंगे, क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे, तो बी स्क्वायर प्लस 10 बी सी प्लस 25 सी स्क्वायर,
तो आप देखेंगे ये किसका स्क्वायर बनेगा। देखो यहाँ चेक कर लेते हैं हम, अब डायरेक्ट एक क्वेश्चन करेंगे बी का स्क्वायर और फाइव सी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई फाइव सी, फाइव सी का स्क्वायर किसका स्क्वायर, फाइव टू या टेन बी सी। ए स्क्वायर माइनस बी प्लस फाइव सी का स्क्वायर बनेगा। तो ए माइनस बी प्लस फाइव सी, ये प्लस लगा देंगे, पहले प्लस लगाएंगे फिर माइनस, ए माइनस माइनस बी माइनस फाइव सी, ये बन के तैयार हो। अब तो जब एक चीज़ प्रोसेस समझ में आए तो उसे करने की ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। ये जो क्वेश्चन है, ये जो ये आपसे पूछे जा सकते हैं, ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, ये तो सिंपल है, डायरेक्ट बना के लिख दिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आया, तीसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर तीन देखते हैं कैसे करना है। देखो अब हमें बनाना है ये फाइव, हमारा कॉमन है फाइव बाहर ले लेंगे, ठीक है। आप देखेंगे ये पी स्क्वायर ये वन का स्क्वायर, फाइव तो बाहर ही रहेगा, पी प्लस वन पी माइनस वन बन गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्या लेंगे हम, टू कॉमन ले लें, टू कॉमन ले लेते हैं, टू जब कॉमन लेंगे तो फोर ए स्क्वायर ए सिक्सटीन। तो देखेंगे टू ए का स्क्वायर और ये हम फोर का स्क्वायर, ये हमारा टू टू ए प्लस फोर टू ए, ये प्लस कर देंगे या माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर और ज़्यादा सॉल्व करना चाहो तो टू दोनों में से कॉमन है, ये टू एक बार और आएगा, यहाँ ए प्लस टू हो जाएगा, यहाँ टू एक बार और आएगा, यहाँ टू आ जाएगा, यहाँ एक एन से टू को निकलेगा ए माइनस टू। तो देखेंगे एट ए प्लस ये बन जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्ट हम एट कॉमन ले सकते हैं, एक तरीका और है, एट जैसे ही कॉमन लेते ए स्क्वायर माइनस फोर, तो ये हमारा डायरेक्ट यहाँ ये बन जाता, ठीक है। ऐसे भी कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं, कर सकते थे, ठीक है। अब यहाँ यहाँ कॉमन लेने की ज़रूरत है, क्यों जरूरत, कोई ज़रूरत नहीं है, फोर का स्क्वायर चाहो तो दोनों से फोर कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लेते हैं, फोर कॉमन लेते हैं फोर बनेगा, ट्वेंटी फाइव बनेगा, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर कॉमन लेके ही करेंगे तो सही रहेगा। ये टू का स्क्वायर, ये फाइव का, ये एक्स का, ये बाई का, यहाँ टू टू प्लस फाइव एक्स वाई टू माइनस फाइव एक्स वाई, ठीक है, कॉमन लेके करते हैं। यहाँ यहाँ देखते हैं किस कॉमन आ रहा, टू कॉमन आएगा, ए बी स्क्वायर। तो देखेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर बचेगा, बी स्क्वायर बचेगा, यहाँ फोर्टी नाइन बचेगा, टू ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर या सेवन का स्क्वायर, ठीक है। टू ए बी का स्क्वायर, ए बी प्लस सेवन ए बी माइनस सेवन, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं इसका, देखते हैं तो ये किसका बनेगा, ये बनेगा सी स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर, टू मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई थ्री, थ्री टू या सिक्स, यानी सी माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस बाई का स्क्वायर। तो सी माइनस थ्री प्लस बाई, ठीक है, सी माइनस थ्री, सी माइनस थ्री, ये सी समझ, ठीक है, सी माइनस थ्री और माइनस बाई, ये बन जाए, ठीक है। ये वाला टर्म हम इसके साथ रखते हैं,
ये टर्म इसके साथ। तो इधर देखो एक्स वाल लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर प्लस वन कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस फोर, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन। इसको देखो एक्स स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो देखो इसे दो बार लिखेंगे एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन। इसको देखते हैं तो ये एम कॉमन है एम स्क्वायर एन स्क्वायर। इधर देखेंगे क्या कॉमन लेंगे हम माइनस वन एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बन गया। तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एम माइनस एन। तो यहाँ देखेंगे एम प्लस एन एम माइनस एन एम माइनस वन, ये हमारा बन गया। तो ये दो क्वेश्चन थोड़े से अच्छे थे, थोड़े लॉजिक थे। तो आई होप हाँ यहाँ देखो यहाँ फोर कर लेंगे, छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है तो थोड़ा करेक्शन कर लेको, स्पीड में ध्यान नहीं रहता, लिख देते जल्दबाजी में, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको किसी हेल्प चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल को शेयर करें।